हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और आपके चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज से स्टार्ट हो रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल और लेवल डायग्राम के साथ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। आज से आपका जो चैप्टर 14 है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, और हम उन्हें क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। और जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करते हैं लेकिन पार्शियली फॉर्म में करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं पुअर कंडक्टर। तो एक होता है गुड कंडक्टर जो अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, एक होता है पुअर कंडक्टर जो थोड़ा पार्शियली पास करता है, और एक होता है बिल्कुल नहीं करने वाला जिसे इंसुलेटर बोला जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा द मेटेरियल्स, स्टार लगा करके द मेटेरियल्स। चैप्टर के बारे में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं कि मेटेरियल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर क्या कहलाएंगे, आर गुड कंडक्टर, आर गुड कंडक्टर किसके कहलाएंगे, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगर दूसरी तरफ देखें, इन अदर हैंड दूसरी तरफ देखें, द मेटेरियल्स इन अदर हैंड, ठीक है, द मेटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, विच डू नॉट अलाउ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू THROUGH टू पास थ्रू देम, ठीक है, इजिली क्या बोला जाता है, पुअर कंडक्टर। ओके, पुअर कंडक्टर किसके बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोगों को राहुल सर ने जब आप 6th क्लास में थे तभी पढ़ा दिया था, 7th में थे तब भी पढ़ाया था, ठीक है, और एट प्रेजेंट यू आर इन 8th क्लास और अब भी रनिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने 6th क्लास में आप लोगों को राहुल सर ने एक टेस्टर बताया था कि हमने एक टेस्टर बनाया है, ठीक है, तो उससे पर्टिकुलर मेटेरियल को हम टेस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आगे देखिए कि हमने वहां पे पाया था, तो लिखिए बी फाउंड, ठीक है, हमने क्या पाया कि डेड मेटल्स, ठीक है, बी फाउंड डेड मेटल्स सच एज, कौन कौन से हैं, जैसे सच एज कॉपर, COPPER कॉपर कॉमा एल्यूमिनियम कॉमा सिल्वर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैं आपको लिक्विड क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एंड वेयर एज, आगे लिखिएगा, अगर बात करें वेयर एज, ठीक है, मेटेरियल्स कौन कौन से, दूसरे मेटेरियल्स की बात करें, मेटेरियल्स, ठीक है, सच एज रबर RUBBER रबर कॉमा प्लास्टिक, ठीक है, क्या क्या लिखवाया है, रबर प्लास्टिक, ठीक है, एंड
जैसे वुड लकड़ी होती है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? नहीं, नो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये चीजें तो आप लोगों को राहुल सर ने सिक्स क्लास में ही डिटेल से बहुत अच्छे से, सेवंथ में भी डिटेल से समझा दी थी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है क्या। ठीक है, टेस्टर का यूज किया था हमने, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए और आप हेडिंग डालिए डू जो लिक्विड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेडिंग डालिए टॉपिक पर लिक्विड LIQUID। ठीक है, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? तो लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि लिक्विड कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमने टेस्टर का यूज किया था, तो इसमें लिखिएगा वी कैन, ठीक है, लास्ट में टेस्टर का यूज किया था, वी कैन यूज टेस्टर, TESTER, ठीक है, वी कैन यूज टेस्टर, ठीक है, विच BWE, विच बी यूज टू टेस्ट, ठीक है, हम टेस्ट करना चाहे तो वी कैन यूज टेस्टर, मैंने लिखाया है वी कैन यूज टेस्टर, हम टेस्टर का यूज कर सकते हैं, विच वी यूज टू टेस्ट, यदि हम करना चाहते हैं द कंडक्टिविटी टेस्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेरियल्स, कंडक्टिविटी ऑफ मेटेरियल्स विच आर, ठीक है, मतलब टेस्टर की हेल्प से आप टेस्ट कर सकते हैं कंडक्टिविटी का, किसी भी पदार्थ की कंडक्टिविटी का पता लगा सकते हैं, कि वो सॉलिड स्टेट का भी चेक कर सकते हैं आप, लिक्विड स्टेट का चेक कर सकते हैं, और गैस की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है, सॉलिड का चेक कर सकते हैं, लिक्विड का चेक कर सकते हैं, और गैस की तो राहुल सर बात ही नहीं कर रहे हैं, विच आर, ठीक है, आगे लिखिएगा विच आर इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है, फॉर द लिक्विड, फॉर द लिक्विड, ठीक है, ऑल्सो, मैंने दोनों का ही लिखवा दिया, इन सॉलिड स्टेट में और लिक्विड्स दोनों का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आगे लिखिएगा बिफोर, ठीक है, यूजिंग द टेस्टर, टेस्टर का यूज करने से पहले, बिफोर यूजिंग द टेस्टर, टेस्टर का यूज करने से पहले कॉमा लगा दें, बी मस्ट, ठीक है, हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, बी मस्ट चेक वेदर, क्या चेक करना होगा, द टेस्टर, जो टेस्टर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, टेस्टर इज वर्किंग, ठीक है, टेस्टर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, मतलब टेस्टर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका भी हमें पता लगाना होगा, यानी कि आप प्रैक्टिकल तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को करने से पहले सभी बॉयज एंड गर्ल्स चेक कर लें टेस्टर को कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप टेस्टर के दोनों जॉइंट्स को चेक कर लीजिए, ठीक है, आगे आ जाइए, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दूं किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, एक प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, तो टेस्टर का ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आप लिख सकते हैं, आगे आ जाइए, ठीक है, आपको टेस्ट एक्टिविटी बताएंगे राहुल सर की किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए मैं आपको एक्टिविटी भी करवाऊंगा, ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हो आप लोग टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विनेगर, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए यहाँ एक्टिविटी ACTIVITY, ठीक है, एक्टिविटी, एक्टिविटी करके डैश डाल करके हेडिंग डाल दीजिए टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग एक्टिविटी हेडिंग डाल दी, फिर डालिए आप टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन
लेमन जूस का ले सकते हो आप और विनेगर दोनों का कर सकते हो। ठीक है, अब मैं विनेगर और लेमन जूस, ठीक है, दोनों की टेस्टिंग का यहां पर पता लगा रहा हूं, ठीक है, कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, ठीक है, एक फ्यू स्मॉल रबर कैप्स ले लेनी है। ठीक है, तो आप लिखिएगा कलेक्ट, ठीक है, लिखिएगा कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल, मतलब आपको क्या करना होगा, एक तो रबर प्लास्टिक लेनी होगी, मतलब जो डिस्चार्ज बोतल होती है, जो फेंकी हुई बोतल होती है, उनसे रबर प्लास्टिक से आप बोतल ले लीजिए, ठीक है, उनको साफ कर लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, लेमन जूस या विनेगर की एक चम्मच लेमन जूस या विनेगर ले लूंगा, ठीक है, उसे क्या करूंगा, जो आपका टेस्टर है, जो हमने टेस्टर लिया, उसको उसके कैप को क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे, मतलब उसमें थोड़ा सा डिप कर देंगे, ठीक है, तो एक टेस्टर का एक पॉइंट तो डूबा रहेगा और दूसरा क्या होगा, बाहर निकला रहेगा, और बल्ब कनेक्ट कर देंगे और सेल लगा देंगे। तो आप लिखिए ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर RUBBER, तो क्या लिखा है राहुल सर ने, कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक, ठीक है, और रबर कैप्स, ठीक है, CAPS रबर कैप्स, ठीक है, ऑफ रबर कैप्स लेनी है आपको, ठीक है, ऑफ जो आपकी डिस्कार्डेड बोतल्स है, डिस्कार्डेड CARDED डिस्कार्डेड बोतल्स, ठीक है, डिस्कार्डेड बोटल्स होगी। अब उन्हें क्या कीजिए, साफ कीजिए, तो एक एक चीज लिखिए आप, क्लीन डैम, साफ कर लिया भैया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब क्या करेंगे हम, एक टी स्पून क्या करेंगे, प्योर करेंगे, प्योर यानी कि उसमें मिलाएंगे प्योर, ठीक है, 1 टी स्पून, ठीक है, तो क्या लिखा आपने, प्योर POUR प्योर 1 टी स्पून ऑफ किसकी, लेमन जूस की, लेमन जूस ले सकते हो, ठीक है, और विनेगर VINEGAR, विनेगर खट्टा होता है, ठीक है, सिरका बोला जाता है, ठीक है, इन वन कैप, ठीक है, CAP कैप में ले लिया, ठीक है, एक कैप में विनेगर या एक टीस्पून लेमन जूस ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अपने टेस्टर को उठाएंगे और क्या करेंगे, ओवर दिस कैप, इस कैप के ऊपर रखेंगे, ठीक है, ब्रिंग आवर टेस्टर, टेस्टर को हम लोग उठाते हैं, ठीक है, ब्रिंग आवर टेस्टर, ठीक है, ओवर दिस कैप एंड इस कैप के ऊपर रख देते हैं, एंड let the ends, ठीक है, let the ends of the tester, ठीक है, और क्या करेंगे, टेस्टर का जो टेस्टर को डिप कर देंगे, ठीक है, dip into, ठीक है, लेमन जूस, अब लेमन जूस के अंदर उसे डिप कर देंगे, ओके, और विनेगर, ठीक है, कर दिया, आगे फुल स्टॉप लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दिया विनेगर के बाद, इसके बाद आप लिखिए जो हम क्या करेंगे उसको देखेंगे, तो आगे लिखिएगा टेक केयर डैट, क्या लिखा, टेक केयर डैट द एंड्स आर, राहुल सर ये बताना चाहते हैं कि उन्हें पहले आप देखिए और जो उनके अंतिम सिरे हैं, जो एंड है, उनको मतलब आपको 1 सेंटीमीटर से ज्यादा भी ज्यादा डिप नहीं करना, मतलब आपको लगभग, जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा क्लियर कि इतना आपको लिक्विड में रखना है और इतना पार्ट ऊपर रखना है, जैसे इतना लिक्विड ले लिया तो इतने में से इतना नीचे रहेगा, डिप रहेगा और ऊपर वाला पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, टेक केयर द एंड्स आर, ठीक है, द एंड्स आर मोर देन, आगे लिखिएगा मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है, केवल 1 सेंटीमीटर लेना है, अपार्ट APART अपार्ट, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, इसी टाइम पर आपको क्या करना है, सेम टाइम टच भी नहीं करना है, सेम टाइम डू नॉट टच, ये टच नहीं होनी चाहिए और ना आपको टच करना है, डू नॉट टच T
TOUCH टच ईच, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर नीचे डुबोना है और ध्यान रहे कि वो दोनों आपस में टच नहीं हो, डू नॉट टच ईच अदर, ओके, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब देखिए कि जो बल्ब है वो ग्लो करता है क्या, ठीक है, क्या देखा आपने कि बल्ब ग्लो करता है क्या, ठीक है, तो आपको 1 सेंटीमीटर आपको डुबोना है। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, आगे लिखिएगा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व OBSERVE, ऑब्जर्व OBSERVE, ऑब्जर्व, ठीक है, दिस एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी केयरफुली, ठीक है, केयरफुली हम क्या करते हैं उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी केयरफुली। अब नीचे मैं आपको हेडिंग डाल करके पहले तो डायग्राम बता रहा हूं फिर इसका ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, ठीक है, नीचे हेडिंग डालें आप डायग्राम, ठीक है, नीचे हेडिंग डालें आप डायग्राम, ठीक है। अब चलते हैं इस एक्टिविटी के डायग्राम पर, डायग्राम पर चलते हैं इस एक्टिविटी के। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ले लेना है एक बीकर, ठीक है, यहां पर आपको पेंसिल की हेल्प से डायग्राम बनाना है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना, बिना पेंसिल की हेल्प से कोई डायग्राम नहीं बनाए, स्केल और पेंसिल का यूज करें, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाए आप लोग, क्योंकि आपके जो बुक है 8th क्लास की उसमें हर प्रैक्टिकल का मतलब हर डायग्राम का नंबर है, मतलब आपको 4th क्लास है आपकी, ठीक है, 8th बोर्ड में हो आप और आपको प्रैक्टिकल का जो है डायग्राम के नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो आपको सिस्टमेटिक डायग्राम आने चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपको सारे डायग्राम आने चाहिए, एक एक डायग्राम राहुल सर आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से सिखाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने ले लिया कोई कंटेनर और इसके अंदर मैंने भर दिया कोई लेमन जूस, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये लेमन जूस कंडक्ट कर दिया, एक सेकेंड, ये मैंने लेमन जूस इसके अंदर भर दिया, ओके, देख लीजिएगा, ये लेमन जूस हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद आपको इसमें 2 रॉड लगानी है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, रॉड के लिए आपको 2 देख लीजिएगा इस तरीके से, एक तो हो गई आपके बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे और एक मैंने लगा दी यहां पर, ओके, देख लीजिएगा बिल्कुल सीधी लगानी है, थोड़ा सा आउट निकाल देना, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको आउट निकाल दें, ऐसे ही मैंने इसको आउट निकाल दिया, ओके, दोनों को इक्वल आउट निकाल दें, निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, इनको आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा आपस में, यहां पर ये इलेक्ट्रोड होगी, यहां पर एक वायर, ऐसे ही मैंने यहां पर भी एक वायर इससे कनेक्ट कर दिया, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए, ओके, दैट्स गुड। इसके बाद आपको सेल लगाना है, ऊपर की तरफ चलिए, यहां आ जाइए, आपको बड़ा वाला लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर आपको बड़ा वाला लाइन, ओके, फिर छोटा लाइन, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, आगे चलिए, ठीक है, यहां पर प्लस लिख दीजिए, यहां पर माइनस लिख दीजिए, ये सेल या बैटरी हो गई, यहां पर आप बल्ब से इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ओके, ये हो गया आप लोगों के इस तरीके से हो गया कनेक्ट, ऊपर बढ़ा दीजिए, नीचे कनेक्ट कर दीजिए, ओके, ये हो गया पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये यहां पर कर देना, ठीक है, तो ये प्लस माइनस, नीचे लिखना चाहे तो ये हो जाएगा आप लोगों के सेल, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के बल्ब, ओके, इधर आ जाइए, ये आपके कंटेनर हो गया और ये हो गया आपके लेमन जूस, क्या हो गया, ये लेमन जूस, ठीक है, चलें आगे, चलिए जी, नीचे हेडिंग डालें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इसका हेडिंग डालें इसी प्रैक्टिकल का, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये दोनों मैं आप लोगों को करवा देता हूं, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका और क्या क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं, कि
आगे लिखिएगा, इसमें जो लिक्विड होता है दो एंड्स के बीच में, टेस्टर के दो एंड है, ये टेस्टर के दो एंड के बीच में जो लिक्विड है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है? तो देखिए, इफ द लिक्विड, आगे लिखिएगा, इफ द लिक्विड बिटवीन टी डब्ल्यू ओ टू एंड्स ऑफ टेस्टर, टू एंड्स ऑफ टेस्टर, ठीक है, अलाउज ए डबल एल ओ डब्ल्यू एस अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या लिखा, इफ द लिक्विड बिटवीन टू एंड्स ऑफ टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, आगे लिखिएगा टू पास, कॉमा लगा करके लिखिएगा, द सर्किट ऑफ द, कॉमा लगा लिखे, द सर्किट ऑफ द टेस्टर, द सर्किट ऑफ द टेस्टर, ठीक है, जो टेस्टर का सर्किट है, ठीक है, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है, बिकम्स कंप्लीट, ठीक है, एंड जो बल्ब है वो क्या करता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ग्लो करने लग जाता है। आया समझ में, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, बल्ब ग्लोज, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आगे लिखिएगा, इफ द लिक्विड, जो लिक्विड है आप लोगों के, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता, लेकिन जब टेस्टर इलेक्ट्रिक करंट को तब पास नहीं करेगा जब टेस्टर उसका कंप्लीट नहीं होगा। इफ द लिक्विड डज नॉट, आगे लिखिएगा, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, उस कंडीशन में जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेंगे, अलाउ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट टू पास, कब पास नहीं करेंगे, द सर्किट, जब क्या है, आगे लिखिएगा, द पास के बाद लिखिएगा, द सर्किट सी आई आर सी यू आई टी, सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, या बोल सकते हैं सर्किट ऑफ टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, ओके, एंड बल्ब, जो बल्ब है वो क्या करेगा, डज नॉट ग्लो, सीधी सी बात है, ठीक है, डज नॉट ग्लो, ओके, अंडरस्टैंड। आगे लिखिएगा नीचे नेक्स्ट लाइन से, इन सम केसेस, कुछ केस में बात करें, ठीक है, कई सारे केस ऐसे हो जाते हैं कि थ्रू द लिक्विड, आगे लिखिएगा टी एच आर ओ यू जी एस, थ्रू द लिक्विड, ठीक है, थ्रू द लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द बल्ब, क्या लिखा, टू पास थ्रू द बल्ब डज नॉट ग्लो, कई बार हो जाता है ऐसा कि ग्लो नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, लिक्विड तो अलाउ करता है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं होता, उस केस में क्या होगा, जो सेल है या तो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, देन, उस केस में क्या होगा, देन द बल्ब एंड सेल, द बल्ब एंड सेल्स, ठीक है, जो बल्ब और सेल्स है, ठीक है, या तो वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, कनेक्टेड टू सर्किट सी आई आर सी यू आई टी सर्किट, ठीक है, लिखिएगा सी आई आर सी यू आई टी सर्किट, ठीक है, शुड बी चेक्ड एस एच ओ यू एल डी शुड बी checked, C H E C K E D, should be checked, ठीक है, and should be replaced, अगर खराब है तो उसे क्या करें, replaced करते हैं, if यदि requirement हो तो, if required, okay, full stop लगा दें, तो देखिए, ठीक है, तो activity क्या show करती है, तो नीचे डाल दीजिएगा star, ठीक है, this activity, ये एक्टिविटी क्या शो करती है, शोज दैट, ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज दैट, क्या शो करती है, द लेमन जूस इज ए, द
लेमन जूस इज ए क्या है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फुल स्टॉप लगा लिखे सेवरल लिक्विड्स, सेवरल लिक्विड्स ठीक है कैन चेक्ड कैन बी चेक्ड, हम चेक्ड कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, सेवरल लिक्विड्स कैन बी चेक्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑन इन सेम वे, उसका पता करने का तरीका भी यही होगा। आगे चलते हैं, डायग्राम तो आप लोगों ने क्लियर बना ही लिया था, सेल ठीक है, बल्ब और लेमन जूस लिख दिया था ठीक है। इसके बाद चलो तो नीचे हम मैंने आपको लिखवा दिया कंडक्टिविटी ऑन इन सेम वे, आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा नोट डाल करके ठीक है, नोट डाल करके लिखिएगा वी फाइंड डैट, नोट डाल करके लिखिएगा वी फाइंड डैट, वी फाइंड डैट हमने क्या पाया कि लिक्विड्स, लिक्विड्स लाइक कौन कौन से लिक्विड, लेमन जूस ठीक है, और बोलिए जल्दी से कौन कौन से ठीक है, लिक्विड सोप लिखिएगा एल आई क्यू यू आई डी, लिक्विड सोप एस ओ ए पी सोप, और क्या होता है रेन होती है, वाटर होता है, वाटर सॉल्यूशन होता है रेन वाटर ठीक है, और क्या लिखोगे सॉल्ट सॉल्यूशन ठीक है एक्सेट्रा। तो क्या क्या लिखवाया, लेमन जूस सोप वाटर रेन वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या होते हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके, बट लेकिन कौन कौन से लिक्विड, बट लिक्विड्स, लिक्विड्स लाइक, बट लिक्विड्स लाइक कौन कौन से लिक्विड्स, जैसे डिस्टिल वाटर की बात करें, डिस्टिल वाटर होता है, और सुना है आपने ठीक है ऑयल एक्सेट्रा ठीक है, ये क्या करते हैं डू नॉट ठीक है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इज दैट क्लियर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। आगे देखिएगा डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बाद देख लीजिएगा स्टार, डबल स्टार लगा करके और डबल स्टार लगा दीजिएगा और आगे देखिएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखिएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ ठीक है, किसका हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो लिखना आपको रेड पेन से ठीक है, और इसके आगे डैश लगा करके लिखिएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने सुना हो कि मैंने आपको बताया था कि हीटिंग इफेक्ट के कारण आपको आपके घर में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, एसी होगा, टीवी है, तो ये सब क्या है इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क तो करती हैं, लेकिन क्या चलते चलते गर्म हो जाती है, हमारा मोबाइल का चार्जर भी गर्म हो जाता है जब मोबाइल चार्ज होता है, तो क्या होगा वो हीटिंग इफेक्ट पर। तो देखिए ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है, तो जो बल्ब फिलामेंट है ठीक है, किसका फिलामेंट, द फिलामेंट ऑफ बल्ब ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या होता है गेट्स हीटेड, वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है ठीक है। अब गर्म बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म तो हो जाता है ठीक है, किसके कारण टू ए हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर के कारण हो तो जाता है, और क्या करता है इट स्टार्ट्स मतलब स्टार्ट हो जाता है ग्लोइंग करना, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है ठीक है।
आज की वीडियो में बस इतना ही बताएंगे राहुल सर। नेक्स्ट वीडियो में ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे और आपको एक दूसरा टेस्टर प्रैक्टिकल बताएंगे जिसमें क्या लिया जाएगा, एक मैच बॉक्स लेंगे, बैटरी लेंगे, वायर लेंगे, सेल लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, बीच में कंपास भी लगा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए प्रैक्टिकल के साथ, डायग्राम के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।